हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपना चैनल ABS इलेक्ट्रिशियन में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये 4 पोल का MCB है, ये 4 पोल का RCCB है और ये डबल पोल का MCB, उसके जस्ट बाजू में RCB है डबल पोल का। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा जो कंट्रोलिंग है ये लिफ्ट का कंट्रोलिंग है और लिफ्ट के कंट्रोलिंग के लिए हम लोग MCB और RCB क्यों यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, MCB का मतलब ये होता है शॉर्ट सर्किट पे ट्रिप होता है और RCB का मतलब ये होता है लगाने का यूजिंग ये होता है कि ये लीकेज होगा, यानी कि अर्थ लीकेज, वायरिंग लीकेज, कुछ भी लीकेज होता है तो ये ट्रिप होता है। और ABB का जो प्रोडक्ट होता है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है और ABB अपने प्रोडक्ट पर 100% श्योर करती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा है। इसलिए हम लोग सजेस्ट तो यही करेंगे कि आप लोग ABB का ही प्रोडक्ट यूज करें। जैसे कि देख लीजिए, MCB भी है और RCCB भी है ABB का, और RCCB का यूजिंग यही होता है कि लीकेज पे ये ट्रिपिंग होता है। इसकी ट्रिपिंग रेट भी आप लोग देख सकते हैं इधर, देख लीजिए 100 amps का है और इसका 1000 mA है। ऐसे ही सेम आप लोग MCB का भी देख सकते हैं। MCB का मतलब यही होता है कि सीधा सीधा जो शॉर्ट सर्किट होने पे ट्रिप होगा, और इसका RCB लगाने का यूजिंग जो होता है वो लीकेज पे ट्रिपिंग होगा। ये टेस्टिंग बटन होता है कि इसको प्रेस करने के बाद चेक करते हैं कि ट्रिपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, 4 पोल में भी दिया है, डबल पोल में भी ये दिया है। और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से इनकमिंग है, फिर जैसे ही ये आउटगोइंग हो रहा है सीधा RCB में गया है, और RCB में से जो आउटगोइंग हो रहा है सीधा लिफ्ट के कनेक्शन में गया है। ऐसे ही सेम देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ से इनकमिंग हो रही है, यहाँ से आउट होके सीधा ऐसे होके RCB में, RCB से होते हुए आउट हो रही है। ये लीकेज पे ही ट्रिप होता है, शॉर्ट सर्किट पे रेयर केस में यह ट्रिपिंग होता है, क्योंकि कंपनी जो है RCCB की, उसमें मेंशन कर रखी है कि RCCB जो होता है शॉर्ट सर्किट पे ट्रिपिंग नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट सर्किट के लिए हम लोग MCB लगाए हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।